भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के मजेठिया भवन में जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री और प्रख्यात वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स की 200वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संस्थान द्वारा वर्तमान आर्थिक राजनैतिक सामाजिक संगठन और कार्ल मार्क्स की विषय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से कथाकार मदन मोहन, वरिष्ठ साहित्यकार महेश अश्क, असीम सत्यदेव, परदेसी बौद्ध सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने वर्तमान आर्थिक राजनैतिक सामाजिक संगठन और कार्ल मार्क्स विषय पर अपने अपने विचार रखे। चूंकि उनका 200वां जयंती है, इस अवसर पे हम इस आयोजन को कर रहे हैं ताकि विशेष तौर पे उनके बारे में हम अपने वक्ताओं से उनके बारे में जान सके, सुन सके। और आज की जो पूंजीवाद आ रहा था उस समय में जर्मनी में पैदा हुए एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने लगातार जनता के लिए संघर्ष किया और उस समय के जो विज्ञान था, चाहे वो दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी जेनी उनसे वो लाइब्रेरी में बहुत अध्ययन करते थे, जैसे यहाँ बाबा साहेब के बारे में बहुत कहावत है, उस तरह से लाइब्रेरी में बैठकर वो घंटों पढ़ते थे। और कहा जाता है कि उनकी पत्नी उनसे जाके कहती हैं कि घर में राशन नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था है, तो वो बोल रहे हैं कि हम दुनिया के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज जिस तरह से दुनिया में 1% लोगों के पास पूरी 99% जनता की जो संपत्ति संपदा है वो कैसे केंद्रित हो चुकी है, कब्जा हो चुकी है। और भारत में अगर देखें तो 73% जो संपत्ति है वो 1% के हाथ में केंद्रित हो चुकी है। तो ये जो गैर बराबरी है आज़ादी के बाद से ये और लगातार बढ़ा है। तो इस स्थिति में जो मार्क्स का विचार था कि ये जो व्यवस्था है मुनाफे पर टिकी हुई, निजीकरण पर टिकी हुई, पूंजी पर टिकी हुई, मुट्ठी भर लोगों की जो कब्जेदारी है वो व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। आम जनता जो मजदूर किसान है उसके नेतृत्व में इस पूरी व्यवस्था को बदल कर एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना होगा। तो उनके बारे में हम विस्तार से अपने वक्ताओं से सुनेंगे। अपने आप में एक ऐसा महत्व रखता है कि यह दिन है जब दुनिया के चुनौतियों से जूझने वाला और तमाम जो चीज़ें अस्पष्ट थी, जिन चीज़ों को हम समझ पाने और देख पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, समाज इतिहास को देखने का, दर्शन को समझने का, अर्थशास्त्र को समझने का और इस पूरे दुनिया में जो कुछ चल रही थी चीज़ें उसको समझने का वैज्ञानिक नज़रिया देने वाला एक किसान, एक ऐसा विचारक, एक ऐसा जनता का दोस्त, एक ऐसा त्यागी व्यक्ति। और इस रूप में कहा जाए कि भारत ने सबसे पहले उनकी जो जीवनी लिखी थी लाला हरदयाल ने, और वो रशियन क्रांति के पहले लिखी गई थी, 1915 में लिखी गई थी, उसका नाम और उसको छपी वो किताब तो पतली सी किताब में ऋषि का नाम लिखा, और उसको ऋषि के रूप में जो सम्मान इतना सम्मान दे सकता है वो उसको उतना सम्मान देने की कोशिश लोगों ने की, और जितना भी किया जाए उतना कम लगता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को समझने और देखने की जो दृष्टि विकसित की और उस दृष्टि ने जो बड़े बदलाव लाए पूरे समाज में, उसका आकलन, वो दृष्टि को समझना, उसका आकलन करना और उससे पूरे दुनिया को देखना, उस दृष्टि से पूरे दुनिया को देखना इतना सहज और आसान हो गया कि जो चीज़ें हमें बहुत ही रहस्यपूर्ण लगती थी, जिनके बारे में हम बहुत ही कल्पनाएँ बस किया करते थे समझने की कुछ, वो सारी चीज़ें विज्ञान के शक्ल में सामने आई। मैं लगता है कि अगर मार्क्स न होते तो हमें जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं वो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस नहीं होता, मुझे लगता है कुछ राजनीतिक कथा के रूप में उसको पढ़ा जाता है।